यकीन मानिए अद्भुत नज़ारा होता है जगन्नाथ रथ यात्रा की। वैसे यहाँ पर हम भगवान जगन्नाथ की बात कर रहे हैं, तो चलिए कविता कौशिक की भी बात करते हैं। आप जानते हैं ना कि महादेव की बहुत बड़ी भक्त हैं वो। बहरहाल उनका नया वेब शो आ रहा है, और वेब शो से पहले हमने सोचा कि क्यों ना इनके साथ एक छलावा वाला वीलॉग बनाया जाए। अरे नहीं समझे तो चलिए दिखाते हैं आपको। हेलो एवरीबॉडी, आप लोग हैं तेरा छलावा की पूरी टीम के साथ। आपकी मतलब छलावे की लिस्ट कितनी लंबी रही है जल्दी बताइए। देखो अभी अभी मेरी शादी हुई, क्यों तोड़वा रहे हो यार? सर बहुत साल हो गए हैं आपकी शादी को। अरे सेकंड वन। रूप के जलवों से और जादू से कितना छलावा किया हमने देख लिया। आपको घोड़ा चलाना आता है, आपको बाइक चलाना आता है। नहीं तो वो जो बाकी लड़कियों वाले शौक होते हैं कि आओ घर घर खेलें और लड़कों की टोलियां टाकें, वो सब आपने नहीं किया। वही शौक मुझ में नहीं है। सुंदर लड़कियां ऐसा कहते। मैं चाह रही हूँ बिल्कुल ही नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो बने, लेकिन हमारी कास्ट ही ऐसी है। हेलो एवरीबॉडी, आप लोग हैं तेरा छलावा की पूरी टीम के साथ, और आज हम इनसे करेंगे बहुत सारी मज़ेदार बातें। जानेंगे कि ये तेरा छलावा क्या है और इन्होंने किसके साथ क्या क्या छलावा किया है, और अगर किसी ने इनके साथ छलावा यानी हम सबके साथ छलावा किया है या नहीं। एनीवे मेरी बातें बेकार की हैं, आप इनसे सुनो इनका छलावा। कम ऑन। हेलो यू ब्यूटिफुल पीपल, आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। मैं आप लोग भी काफ़ी खूबसूरत हैं, मतलब उतने नहीं है जितने। ओके तो हमारे साथ है तेरा छलावा की बहुत ही कमाल की स्टार कास्ट और हमारे डायरेक्टर साहब भी, और एक एक करके आइए हम इनसे जानते हैं कुछ मजेदार बातें। तो सबसे पहले कबीर जी, पकड़िए इसको, फोन को बंद कैसे हो गया आपके हाथ में आते ही चीजें हो रहा है, अंधेरे में कैसे आ जाती है? अरे भैया ये देखो पूरा चल रहा है। हाँ वेरी नाइस। चलिए अब आप ये बताइए कि आपने अपनी इस खूबसूरत चेहरे के साथ और इन कंजी आंखों के साथ किन किन के संग छलावा किया है, और स्कूल और कॉलेज टाइम में बड़े होते हुए आपकी मतलब छलावे की लिस्ट कितनी लंबी रही है जल्दी बताइए। देखो अभी अभी मेरी शादी हुई, क्यों तोड़वा रहे हो यार? सर बहुत साल हो गए हैं आपकी शादी को। अरे सेकंड वन। मैं चाह रही हूँ बिल्कुल ही नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो बने, लेकिन हमारी कास्ट ही ऐसी है, ये जो बोलते हैं ऐसी बातें बोलते हैं। तो आपने कितनी लड़कियों के दिल तोड़े हैं सर ये बताइए। देखो नोइंगली पता नहीं, बट यार क्यों करवा रहे हो तुम ऐसा यार, तुम मतलब कि पिटने वाली बातें करवाते तुम। सर आपने कहानी बनाई है तेरा छलावा, उसमें आपने इतना गलत गलत कराया हमसे, तब आपको कुछ नहीं हुआ। प्लीज अपना छलावा बताइए। छलावा बताइए। मेरा क्या छलावा है? मेरे जैसा स्वीट इनोसेंट स्वामी टाइप का। फर्स्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड योर स्टाइलिंग, इट्स रियली कूल, हू स्टाइल्ड यू टुडे, व्हाट्स योर इंस्पिरेशन? देखिए ये मेरे घर के पुराने कपड़े हैं, मेरी इंस्पिरेशन ये होती है कि मैं इतने मतलब खूबसूरत कपड़े पहन के मैं ऐसा गर्ली टाइप नहीं बैठ सकती, दैट्स माई पर्सनैलिटी। और मेरा छलावा यही है कि लोगों को ना मेरी बातें समझ में नहीं आती, थोड़ा टाइम लगता है, तो आई एम वेरी मिसअंडरस्टूड, which is fine, works pretty good for me. It's very cool. I think she's really cool. हाँ जी मनीष जी आप बताइए, किसी ने लाइफ में आपके साथ कोई छलावा किया है स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, या कभी भी, जो आपको आज भी दुख देता है? नहीं नहीं मैंने बहुत सब किया। वेरी नाइस। तो ऐसा कोई एक इंसिडेंट हमारे साथ शेयर कर दीजिए, दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। नहीं नहीं उनको पता चल जाएगा, मारेंगे मेरे पास। नहीं हम भी कुछ सा ट्यूशन ले लेंगे ना, हम भी सीख लेंगे काइयां कैसे बनना होता है, सिर्फ इमेज नहीं खराब करनी होती, अंदर से भी कुछ छलावे करने पड़ते हैं। प्लीज बताइए। इसका इंटेंस लुक जो आता है ना, आई हैव सीन हिम व्हेन आई हैव बीन शूटिंग विद हिम एंड विद अदर ऑन अदर स्टफ आल्सो, इन द गर्ल्स ऑल हैज दिस इंटेंस लुक बेबी, यू नीड टू गेट टू नो। सर हिंदी में बोलिए, पहली बात तो हिंदी में बोलिए। देखिए अच्छा ये एवरीथिंग एल्स वॉच इट ऑन हंगामा प्ले। देखिए इनका क्या, इनका जो छलावा है ना, आप पहले देखिए ऑन हंगामा प्ले तेरा छलावा, और सबसे अच्छा चीज जो करते हैं लड़कियों के साथ वो ये ऐसे देखिए, पास आना पड़ेगा तुम्हें और जानने के लिए। वैसे मनीष जी के बारे में एक राज मैं यहाँ खोलना चाहूंगी कि इनके जो कुछ फैन हैं, जो सभी के होते हैं फैन, लेकिन इनके फैन सिर्फ इनका ही
पीछा नहीं करते, हमारा पीछा भी करते हैं और हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि हम इनके साथ शूटिंग कर रहे हैं या नहीं, इन्होंने खाने में क्या खाया, खाना खा के डकार ली कि नहीं, इनकी तबीयत सही है या नहीं, सारी दिनचर्या पूछते हैं हमसे। तो मनीष जी, ये जो एक फालतू की प्रताड़ना हम सह रहे हैं आपकी वजह से, हाँ प्लीज हमें ना सताए, हाँ हमें प्लीज, हमें हम अपने फैंस के संग डील करेंगे, आप इन्हीं से करिए, है ना। थैंक यू सर। आइए अब खूबसूरत लड़कियों के पास चलते हैं, हमारे पास है ना पेरू सीसा। देखिए मैंने आपके गाने का भी प्रमोशन कर दिया है। थैंक यू सो मच मैम। अरे अन्वेषी आप बहुत प्यारी हैं, आप ये बताइए कि सिंस आप इतनी खूबसूरत हैं और खूबसूरत लड़कियों के संग बहुत लोग छलावे करते हैं, तो कोई एक ऐसा छलावा जो आपको याद हो किसी ने आपके साथ किया हो और उसका बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ा हो? हुआ तो है एक्चुअली, एक था ऑब्सेसिव टाइप का लवर जो कि हमारे छलावा शो में मिलता जुलता से कैरेक्टर है। अच्छा। जो कि जिसको मैंने जब मना किया तो ही गॉट सो अपसेट दैट ही एक्चुअली केम एंड ही बर्नड माय हाउस डाउन। इट वाज इन 2014 ऑन वैलेंटाइंस डे। क्या बात कर रही हैं आप? हां जी, मेरा पूरा घर जला दिया। इसके लिए देखिए सीजन 2 आप मेरा था, ये तो स्टोरी है भाई। आई नो, ये तो देखो 14 2 2014। हां 14 2014, तो मैं जब फिर फायर ब्रिगेड आई, इट वाज ऑन न्यूज़, इट वाज लाइक मैसिव फायर, सो आई हैड टू पे द किश्त ऑफ द रेंट, लाइक पूरा घर जलाने का फॉर। दैट्स क्रेजी यार। ही गेट कॉट, ही गेट कॉट बाय द पुलिस। नो ही कुड नॉट गेट कॉट फॉर सम रीजन एंड आई वाज लाइक नॉट इन आउट देयर। ही इज आउट देयर, ही माइट बी शिफ्टेड टू बॉम्बे। वो पता नहीं अब किसी और के भी घर जला रहा हो, है ना। ही रिसेंटली मूव्ड टू बॉम्बे, बिकेम अ राइटर एंड ही डूइंग प्रोड्यूसर फॉर हिमसेल्फ। व्हाट यू फॉलोड यार, प्लीज हमें बता दीजिए। हाँ ये बड़ी स्केरी सी कहानी है, लेकिन ऐसा होता है, ऐसे पागल आशिक होते हैं, ऐसे मत हो जाओ पागल, मेरी लाइफ के साथ कुछ कर लो, दूसरों घर जला रहे हो, अपना बनाओ पहले। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सर आप प्लीज कुछ कुछ शेयर कीजिए, कोई आपकी लाइफ का छलावा जो किसी ने आपके साथ किया हो या साथ। जी वाह, इनको देखिए तालियां, यहाँ काम चल रहा है और ये जो है केटरिंग में लगे। मैं बहुत भोला भाला सा सीधा साधा हूँ, क्या किसी के साथ छलावा करूँ। जी जी यस। समीक्षा जी हाय। देखिए समीक्षा जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपके बारे में बहुत अफवाह यहाँ पर उड़ी हुई है कि आपको सब आता है, आपको घोड़ा चलाना आता है, आपको बाइक चलाना आता है, आपको भरतनाट्यम आता है, आपको मार्शल आर्ट आता है, किक बॉक्सिंग आता है, सिंगिंग आती है, तबला बजाना आता है, हारमोनियम बजाना आता है, और कुछ और बस छलावा नहीं करना आता है। नहीं तो ये ही सुंदर लड़कियां ही ऐसा कहते हैं। इन दोनों ने सुंदरता का जो परचम है वो यहीं गाड़ दिया है इस सोफे के इर्द गिर्द। हाँ हाँ, हमने अपने जला दिए झंडे, हम आप, कुछ नहीं, हम आप बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है। अच्छा यही मुझे लग रहा है इनका छलावा यही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि एंकर को समझ गए। ओह शिट, हाँ बताइए। तो इतना सारा टैलेंट आपने इतनी जल्दी इतनी छोटी उम्र में कैसे अक्यूमुलेट किया, कैसे सीखा? हाँ, उस बारे में बताइए। थैंक यू सो मच। छोटी उम्र एंड या मैंने बहुत कुछ सीख लिया, बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, और मैं हमेशा से ही बचपन से ही मैंने डांस सीखना शुरू कर दिया था, फिर उसके बाद सिंगिंग साथ में शुरू कर दिया, तबला भी साथ में शुरू कर दिया था। तो अभी किक बॉक्सिंग एंड ऑल मैंने अभी नॉट जस्ट फ्यू ईयर्स अभी सीखना शुरू किया। नहीं तो वो जो बाकी लड़कियों वाले शौक होते हैं कि आओ घर घर खेलें, आओ गुड़िया की शादी करें, हाँ डॉक्टर डॉक्टर खेलें, आओ थोड़ा खिड़की में से लड़कों की टोलियां टाकें, वो सब आपने नहीं किया? वही वही शौक मुझ में नहीं है कि मैं घर घर खेलूं, घर बैठ के गुड़ियाओं के साथ खेलूं, वो सारे शौक मुझ में नहीं है। ये है आज की नारी, आज की नारी सब पे भारी, सब पे भारी। वेरी नाइस। अब हम आते हैं सबसे प्रीटी का, जिसको खिताब मिला है हमारी अवार्डी, है ना, जिसको अवार्ड दिया है हमारे डायरेक्टर साहब ने। अब मैम ये बताइए, आपने अपने रूप के जलवों से और जादू से कितना छलावा किया, हमने देख लिया, आपने डायरेक्टर को तो देखिए छल लिया है, वो बिल्कुल हमारे हित में नहीं बोल रहा। तो ये बताइए कि हैव यू एवर यूज्ड योर ब्यूटी एज लाइक अ वेपन? एज अ वेपन? या आई हैव नेवर हैड टू। ओके, इट जस्ट हैपेंड। So no chalawa, no you know using your charm. वो ये chalawa है। हाँ। कह ये आँख मार के आपको subtle कर देगी। It's just there. You don't have to try hard. It's like acting. Now you just have to be. You don't have to try. मुझे थोड़ा डर घबराहट सी हो रही है, जीम में चला रहा है मेरा।
ये मीठी छुरी वाला जो इन्होंने आंसर दिया है इससे मैं काफी परप्लेक्स्ड हो गई हूँ, बट नो अमेजिंग, थैंक यू गाइज, यू गाइज हैव गिवन पथेटिक आंसर। एक आंसर भी ऐसा नहीं था कि कुछ छलावा वाली बात आई, लेकिन जो छलावा यहाँ मिसिंग है वो दिखेगा आपको हमारे हंगामा प्ले पर आज से। तेरा छलावा जल्दी देखिए और हमें बताइए आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच टीम, थैंक यू। ABP News, आपको रखे आगे।